बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-अमान में रखें, खैर खैरियत रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज आपके लिए बहुत प्यारी वैरायटी लेकर आए हैं प्योर चाइना क्रिंकल शिफॉन के ऊपर। पहला सूट जो आपको दिखाएंगे वो है क्रिंकल शिफॉन पर, पाकिस्तान शिफॉन जो होती है, सॉफ्ट शिफॉन कह लें, लेकिन पहला सूट जो है वो प्योर का नहीं है, बाकी सारे सूट अल्हम्दुलिल्लाह प्योर के हैं। अच्छा, पहला आपको दिखाते हैं, ब्राउन कलर है और बहुत ही प्यारा सा कलर, इसका काम देखें आप, बहुत खूबसूरत काम है। ये देखें माशाल्लाह, एक तो ये तारकशी ऊपर, ये इसका सारा काम, ठीक है। इसका पल्लू है, ये इसका हैवी दुपट्टे का पल्लू आएगा, तारकशी के साथ पक्के का काम है, मेरा वर्क है। बीच में जी इसकी बूटी मिलेगी आपको इस तरह से, ये इसका काम है, ये देखें इस तरह, ये इसका काम, ठीक है। बहुत प्यारा सा कलर है, कलर आपको पता है थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, बड़ा प्यारा सा ब्राउनिश शेड है। ये इसकी शर्ट है, इसकी शर्ट का फुल फ्रंट है, गले पर फाइन तारकशी, दामन पर भी तारकशी, बीच में सारा फुल काम, ये देखिए दामन के साथ शीशा ही शीशा। और ये है माशाल्लाह बाजू, हैवी पैटर्न बाजू का, ये है जी इसकी बैक साइड, और यहाँ पर जी इसके जो है वो आ जाएगा दूसरा बाजू, ठीक है, ठीक है। ये इसका फुल फ्रंट है इस तरह से, ये फ्रंट है, बैक तो शीशे लगाना, शीशे कहने लगे शीशे लगाना है, ये देखें ये इसका दूसरा बाजू, ये तारकशी, और ये इसका सारा काम है, माशाल्लाह हैवी पैटर्न है इस तरह से। अच्छा, एक सूट हो गया ये। अब यहाँ से आपको दिखाते हैं जी प्योर के हमारे फैंसी सूट। ये पहला है जी, बहुत ही खूबसूरत से डबल कंट्रास्ट में है, ग्रीन और पर्पल में गोटा और सीक्वेंस माशाल्लाह बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। ये इसका पल्लू कच्चे और पक्के का काम है मिक्स, बीच में गोटा, ये दुपट्टे का पल्लू हो गया, ये इसका साइड का बॉर्डर है, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह सीक्वेंस और सीक्वेंस और सीक्वेंस बड़ा मजबूती से लगा हुआ है, ये देखें वॉश करने से कहीं नहीं जाएगा। ये इसका बीच का काम है, वाइट है, क्योंकि जितने भी मैं वाइट दिखाऊंगी आप अपनी मर्ज़ी से डाई करवा सकते हैं। ये इसका दुपट्टा, ये इसकी शर्ट है, ठीक है, साइड से इसका बाजू, ये इसकी शर्ट का फुल फ्रंट दामन के साथ, यहाँ से दूसरा बाजू, ये बैक साइड सीक्वेंस के साथ। ये देखें माशाल्लाह गोटा वर्क बहुत खूबसूरत है, गोल्डन कलर का गोटा है। आप इसके साथ किसी भी फैब्रिक में शलवार जो है वो मैच कर सकते हैं, इनमें से कोई एक कलर ले लें और उसके साथ मैच कर लें, बहुत खूबसूरत लगेगी। ये देखें या ग्रीन सीक्वेंस के साथ भी मैच कर सकते हैं। अच्छा, ये है जी रिबन वर्क के साथ प्योर के ऊपर, रिबन का और सीक्वेंस का सूट है। और रिबन वर्क अक्सर लोग कहते हैं रिबन खुल जाता है, लेकिन जो हमारे पास रिबन का सूट बनकर आया है ना ये वाला, तो ये बिल्कुल खुलेगा नहीं, बहुत मजबूती से लगा हुआ है और बहुत प्यारा काम है। अच्छा, ये देखिए माशाल्लाह ये सारा इसका रिबन का काम है इस तरह से, सीक्वेंस और रिबन वर्क है, ब्लैक के ऊपर मल्टी कलर, ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखें हर कलर उठ रहा है ब्लैक के ऊपर, ठीक है, इस तरह से। इसका काफ़ी बड़ा इसका दुपट्टा है माशाल्लाह, बीच में सारी इसकी बूटियां हैं, ये इसका काम है फुल। ये इसकी शर्ट है, ठीक है, यहाँ से इसके बाजू, ये आप देख लें बाजू, ये फुल जाल है, बीच में सीक्वेंस भी ऐड है, यहाँ से दूसरा बाजू, ये बैक साइड और बैक का बॉर्डर भी है, ठीक है, बैक का बॉर्डर भी है माशाल्लाह, बहुत प्यारा सूट है। ये देखें ये सारा इसका काम है, ये इसका बाजू, ये इसका बैक बॉर्डर। अच्छा, ये ग्रे और पिंक के साथ है, ये इसका दुपट्टा है, बहुत ही प्यारा सा ग्रे कलर है, इसके ऊपर पिंक सीक्वेंस बहुत अच्छा लग रहा है। ईद के हवाले से हमारे सूट हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आई है, काफ़ी जगह पे मौसम ऐसा है कि प्योर वगैरह के फैंसी सूट आप पहन सकते हैं ईद पर। ये देखें इसमें सीक्वेंस जो है ना वो बिल्कुल भरा हुआ है, देखिए बहुत प्यारा सूट है, अम्बियों और कैरियों के साथ चिकनकारी का ये बेसिकली सूट है। इसकी बेस जो है ना, काम जो है बेस का, वो चिकनकारी है और उसमें सारा सीक्वेंस ऐड किया हुआ है, क्योंकि धागा इसके ऊपर पिंक है तो फिर सीक्वेंस इसी शेड में ही है ना, पिंकिश शेड देते हैं। ये डाल में फुल इसका फ्रंट है शर्ट का, साइड से इसके बाजू बनेंगे, ये देखें मरोड़ी वाली चिकनकारी है, ये बैक साइड, ये इसका दूसरा बाजू, ठीक है, ये शर्ट का काम और ये इसका बॉर्डर, ठीक है, इस तरह से बॉर्डर है। अच्छा, ये है जी तारकशी और क्रॉस स्टिच के साथ, इसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, आप इसको वैसे भी किसी और सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ये इसका फुल दुपट्टा है, इसकी तारकशी आप देखें, एक ये है और एक रिंग वाली है, इस तरह से सारी लाइनें हैं माशाल्लाह, फुल भरा हुआ दुपट्टा है माशाल्लाह, बहुत प्यारा काम है। इसको डाई करा ले कोई भी कलर इसमें से लेके, बीच में सारी क्रॉस स्टिच की बूटी है। ये इसकी शर्ट है, ये देखें, ये 8वीं 9वीं दफ़ा मेरे पास बनकर आया है और बहुत प्यारा लगता है पहना हुआ, स्पेशली जब इसको डाई कराएंगे ना, इन्हीं में से कोई कलर ले लें तो बहुत आपका ये खूबसूरत बन जाएगा सूट। ये इसका फुल फ्रंट है, बाजू आप देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत स्टाइल में, इसके बैक पर इसकी जो इस तरह से बूटी आ जाएगी, बाजू भी इधर से बनेगा, ये देखें इस पर, ये देखें बाजू पर भी डबल पैटर्न की तारकशी और साथ में मल्टी क्रॉस स्टिच, ठीक है। ये जो मल्टी क्रॉस स्टिच का काम होता है ना, थोड़ा सा मतलब हमें मुश्किल होती है, क्योंकि सारी गुच्छियाँ लेके देनी पड़ती हैं कलरों की। अच्छा, ये भी बहुत अच्छा सूट है, इसके ऊपर गोटे का काम काफ़ी ज़्यादा है,
ये इसका फुल फ्रंट है, ऊपर जाल बना हुआ है, इसमें गोटा लगा हुआ है, ये इसका दामन शर्ट का, ये देखिए बाजू का बॉर्डर, ये बैक साइड, यहाँ से दूसरा बाजू, और बैक पर भी गोटा पत्ती ऐड की हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, इस तरह का गोटे का कलर आपने पहली दफ़ा देखा होगा, मल्टी शेड है गोटे का, इसमें धागा भी मल्टी और गोटा भी मल्टी। ये बाजू, ये ऊपर का काम, गोटा इसमें दुपट्टा काफ़ी ज़्यादा कैसा? लगा हुआ है। ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी इसका बहुत खूबसूरत है। ये देखें, ये इसका बॉर्डर है, दुपट्टे के पल्लू वाला बॉर्डर हो गया, ये इसका साइड का काम है, ठीक है। ये देखिए सारा इस तरह से काम है, और बहुत ज़्यादा इसका जो है ना, बीच में भी ये गोटा पत्ती, ये मल्टी गोटा लगा हुआ है साथ में, मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। बीच में भूर वाला फूल बनाया हुआ है, उसके बाहर गोटा है, ठीक है, ये फूल इसका दुपट्टा है। अच्छा, ये बहुत ही खूबसूरत सूट है, और तो काम भी बहुत खूबसूरत है। ये देखिए शेडो वर्क का सारा, चिकनकारी का जाल, उसमें गोटा पत्ती, और ये इसका मल्टी कलर का काम, इसमें भी गोटा, ये देखें, ठीक है। ये पहले आप देख लें इसको, इसके दुपट्टे को, ये देखें इसके दुपट्टे के बॉर्डर पर इस तरह से बड़े बड़े तीन फूल आ जाएंगे, बीच में सारे छोटे फूल हैं, और ये इसका दूसरा बॉर्डर, फोर साइडेड भी है और बीच में भी काम है। ये इसकी शर्ट है, ये इसकी शर्ट का पैटर्न है, इसका कलर बड़ा प्यारा है, स्किन कलर है जो इसका, ये ना जाल है बेस वाला, बहुत प्यारा स्किन सा बना हुआ है। ये इसका फुल फ्रंट है पक्के, और इसके चिकनकारी और गोटे के साथ साइड से बाजू, ये देखिए बैक साइड, यहाँ से दूसरा बाजू, बैक पर भी गोटा पत्ती ऐड की हुई है, फुल जाल वाला माशाल्लाह सूट है। देखिए इस तरह से ये बाजू, ये एक और है, इसका पैटर्न भी काफ़ी डिफरेंट है। ये देखिए छोटी छोटी बूटी, फूलों वाली बूटी और बेलें, ये देखिए छोटी छोटी बूटी, फूलों वाली और बेलें, बहुत प्यारा लग रहा है। साइड पे आप देखें कि कितना प्यारा काम है, बिल्कुल डिफरेंट 2022 का पैटर्न है हमारे पास सारे आज के सूट। ये देखिए ये कितना खूबसूरत है, इस तरह से आपको अंदाज़ा होगा। ये इसका साइड का बॉर्डर है, और ये इसका पल्लू का बॉर्डर, ठीक है, कलर कंट्रास्ट भी डिफरेंट है, काम भी डिफरेंट है। ये है जी इसका शर्ट का पैटर्न, ये बाजू जो है वो पल्लू वाले स्टाइल में, ये बाजू, और ये है जी शर्ट का फ्रंट, साथ में बॉर्डर भी वही, ये इसका दूसरा बाजू, बैक पर बूटी। ये देखिए पीच, ग्रीन, गोल्डन गोटा, ब्लू, बहुत प्यारा माशाल्लाह कलर कंट्रास्ट है इसका। अच्छा, इसकी बड़ी डिमांड हो रही थी कि पक्के के फूल मल्टी कलर वाले और साथ में गोटा, तो ये दायरा बनने में टाइम लगता है। ये देखें जी, ये इसका काम, इनमें सिक्वेंस भरा हुआ है फूलों में, ये इसका सारा काम है, ये साइड पर इस तरह से इसका काम है। ये जो वाइट सूट होते हैं ना, इनमें ज़्यादा जान आती है डाई कराने के बाद। कुछ ऐसे होते हैं जो वाइट ही खूबसूरत लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं इनको आप डाई कराएंगे तो खूबसूरती उनकी बढ़ेगी। तो हमारे पास तो जो है वाइट ही होते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से डाई करा सकते हैं। ये माशाल्लाह, ये इसका जाल है, गोटा इसमें बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, ये साइड से इसका बाजू, बैक पर भी इस पर गोटे का काम है, दूसरा बाजू भी यहाँ से आएगा। ये देखें, इस तरह का सूट आप स्पेशली नाइट फंक्शन या ईद पे पार्टी वगैरह में पहनेंगे तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये इसका बाजू, अच्छा ये गुल्ले सिटे का है, इसका कलर मैं कहती हूँ इतना कुछ डिफरेंट है ना, ना ये स्किन है ना ये पिस्ता है, पता नहीं भाई कौन सा बेस कलर है, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत सा कलर है, और इस पर कोई शीशा वगैरह भी नहीं लगा हुआ। अब मतलब जो लोग पसंद करते हैं ना इस तरह के डिसेंट से सूट, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, कलर इसका बड़ा खूबसूरत है बेस का। ये देखिए इसका सारा काम है, फोर साइडेड इक्वल पैटर्न है, हैवी पैटर्न है, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से मल्टी कलर का सारा काम है। ये इसका फुल फ्रंट है शर्ट का, पहले बाजू देख लें, बाजू भी हैवी पैटर्न, सेम पैटर्न है पल्लू वाला बाजू के ऊपर, बाजू भी हैवी स्टाइल में। ये इसका फुल फ्रंट है, ये इसका दूसरा बाजू, बैक पे इसके बूटी आएगी, मैं आपको दिखा देती हूँ इसका। ये इसका कलर ये है जो वीडियो में आ रहा है, ये इसके ऊपर मल्टी कलर का काम है। अच्छा, ये है जी गोटा और तारकशी के साथ, बिल्कुल डिफरेंट पैटर्न के साथ, ये दुपट्टा है जाल वाला, ये देखिए फाइन वाली तारकशी, इसमें डब्बी वाली ऊपर इस तरह से सारी तारकशी, बीच में ये काम है, ये फुल जाल है इसका, टू साइडेड इसका तारकशी का बॉर्डर आ गया, और बीच में सारी तारकशी, और बीच में बहुत खूबसूरत सा गोटे का काम है। ये इसकी शर्ट है, खुला डुला सबका कपड़ा है, इजीली बनेगा। ये इसकी शर्ट का फुल फ्रंट है, सेम वही काम है, पल्लू भी आपको, इसका बॉर्डर भी आपको तारकशी के साथ मिलेगा, और ऊपर भी वैसे ही पैटर्न हैवी इसके बाजू। ये इसकी बैक साइड, और वहाँ से इसका दूसरा बाजू बनेगा, ठीक है, ये बाजू की बैक साइड आ जाएगी। ये गलती से जो है ना पैटर्न तारकशी का वर्कर ने बना दिया, ये आप बाजू की बैक साइड पे कर लेंगे तो ये भी डिज़ाइन ही बन जाएगा, इसका कोई इतना इशू नहीं है। ये देखें, ये इसका काम है, ये इसका काम है,
ठीक है, ये इसका हैवी इसका पैटर्न है। अच्छा ये ग्रीन कलर है, ग्रीन के ऊपर मल्टी कलर का काम है पक्के का, और साथ में जी गोटा है। ये देखिए टू साइडेड बॉर्डर है लेकिन बहुत खूबसूरत बॉर्डर है। एक एक आप देखें, ये बंच देखें पूरा कितना ज़्यादा बंच है इसका, ये फुल इसका काम है। क्या यार ये देखें, ये इसका काम, बीच में सारे इसके फूल आ गए मल्टी कलर के। ये इसका दूसरा बॉर्डर आ गया, ठीक है। अच्छा ये है जी इसकी शर्ट, ये इसकी शर्ट का फुल फ्रंट है, वही काम आ गया पक्के की। ये देखें आप, छड़ियां हैं इस तरह से, बीच में सारा गोटा लगा हुआ, सिल्वर गोटा बहुत अच्छा लग रहा है। हैवी इसके बाजू है, इसका कपड़ा भी काफ़ी खुला है। ये इसकी बैक साइड है, यहाँ से इसका दूसरा बाजू बनेगा। ये देखें ये इसका काम है। अच्छा ये बहुत अच्छा है, इसके ऊपर धागा भी ब्लू है, गोटा भी ब्लू है, और सीक्वेंस भी ब्लू है। मतलब जो लोग चाहते हैं कि सेम ही कलर का काम हो, बहुत ज़्यादा मल्टी कलर ना लगा हुआ हो, उनके लिए बहुत अच्छा सूट है। और आप इसको ऐसे ही पहन सकते हैं, चाहे तो लाइट किसी भी कलर में करा लें, लाइट ब्लू करा लें, ये ऐसे ही खूबसूरत लग रहा है। इसके ऊपर काम बहुत खूबसूरत है, ये देखें चिकनकारी वाला काम है। ये इसके ऊपर इस तरह से चिकनकारी का काम है, और बीच में बहुत प्यारे प्यारे इसके फूल है। ये इसका साइड का बॉर्डर है, ये इसका, यही फूल आप देख लें कितना खूबसूरत बना हुआ है। ये फुल दुपट्टा इसका हैवी काम के साथ है। ये है जी इसका फुल फ्रंट, पहले बाजू देख लें, ये देखें अभी इसके बाजू और फ्रंट इसका, ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत काम है इसका। ये इसका दूसरा बाजू, बैक पर भी हैवी बन चुके हैं काम, इसका बहुत प्यारा और हैवी काम है। ये देखें ब्लू धागा, ब्लू सीक्वेंस और ब्लू ही गोटा। अच्छा ये है जी पीच कलर, बहुत ही प्यारा सा, जैसे इंग्लिश पीच होता है ना उसी के तरह का ही कलर है। ये इसका काम है, इसके ऊपर तारकशी जो है ना वो बहुत फाइन वाली है। इसका काम बहुत खूबसूरत है, फोर साइडेड क्रोशिया किंगरी है, और ये देखें बीच में सारा क्रोशिया का काम है। ये जो फूल है ना ये देखें, ये भी सारा क्रोशिया वाले हैं, तारकशी भी क्रोशिया वाली है। इस तरह से ये सारा इसका दुपट्टा आ गया, छः सात लड़ियाँ हैं इसमें, और बीच में सारा शीशा भी है। अच्छा इसके जो है ना बाजू इसके अलग से मिलेंगे आपको, तो इसलिए ये इसका कपड़ा काफ़ी ज़्यादा खुला है। आप चाहें तो इसकी फ्रॉक भी बना लें, है ना। इसके बाजू मैं आपको दिखाती हूँ अलग से, इस तरह से मिलेंगे। बाजू का काम भी बहुत नीट है माशाल्लाह, बहुत प्यारा है। ये इसकी शर्ट है, सिर्फ शर्ट है, बाजू अलग। ये देखें माशाल्लाह कितना खुला दामन है, ऊपर भी सारा काम है। आप चाहें तो फ्रॉक इसको बना लें, बहुत अच्छी लगेगी। ये बैक साइड है, ये इसका सारा काम, ठीक है। अच्छा ये बेबी पिंक कलर है, बेबी पिंक से थोड़ा सा डार्क लेकिन बहुत प्यारा है। इसके ऊपर चिकनकारी है और सेम ही इसका धागा लगा हुआ है, ये देखिए सेम थ्रेड के साथ है। ये देखिए मरोड़ी वाली जो चिकनकारी होती है वो है, और मिरर वर्क काफ़ी ज़्यादा है इसमें। इसके बीच में भी मिरर है, फूलों में साइडों पर भी मिरर है। ये माशाल्लाह दुपट्टा है इसका, कलर इसका बहुत अच्छा है। वीडियो में थोड़ा सा डल आ रहा है लेकिन बहुत प्यारा कलर है, पिंकिश। ये इसका शर्ट का काम हो गया, ये इसके बाजू है यहाँ से। ये देखिए माशाल्लाह इसका सारा मिरर, नीचे इसके फाइन वाली बॉर्डर वाली तार, फाइन वाली बॉर्डर वाली चिकनकारी हो गई। ये इसका दूसरा बाजू, बैक पर भी इसके मिरर है। ये देखें मरोड़ी वाली फाइन वाली चिकनकारी, ऊपर सारा यही काम है, और काफ़ी हैवी काम है इसका। अच्छा ये वाइट के ऊपर वाइट है, रमज़ान शरीफ में पहनने के लिए बहुत अच्छा रह जाता है ना, वाइट के ऊपर वाइट। इसका काम भी बड़ा डिफरेंट है। ये इसका दुपट्टा, ये देखें यहाँ से ऐसे बेले, ये बंच, फिर यहाँ से बेले आ रहे हैं, फिर ये बंच। इसमें जो काम है ना, कच्चा टांका, पक्का टांका और मरोड़ी वर्क है, ठीक है। ये देखें इसके पल्लू पर इस तरह से पक्के का काम आ गया, साइडों पर इसके कच्चा और मरोड़ी का। ये दुपट्टा हो गया इसका, ये इसकी शर्ट है, इसको ऐसे खोल के आपको दिखा देते हैं। ये देखें इस तरह से बेले जा रही है, और बहुत प्यारा इसका बेलो वाला पैटर्न है। ये इसके बाजू है, बहुत लाइट सा और प्यारा सा पैटर्न है इसका। इसकी बैक है, बैक पर भी वही काम आ जाएगा, और साइड से इसके बाजू आ जाएंगे। अच्छा ये भी बहुत प्यारा सूट है, इसके ऊपर जी येलो के साथ कंट्रास्ट ऐड किया हुआ है। पहले आपको दुपट्टा दिखाते हैं, ये इसका दुपट्टा है, इसमें गोटे का पक्के का काम है। ये देखें माशाल्लाह, ठीक है। ये इसके पल्लुओं पर फूल आएंगे, ये इसके पल्लू होगा, ये इसका साइड का बॉर्डर, ठीक है। ये देखें पर्पल और ग्रीन के साथ कंट्रास्ट है, ये फुल इसका काम है। ये चीज़ इसकी बहुत खूबसूरत है, गोटा वर्क है बीच में सारा। ये इसकी शर्ट है, ये इसके बाजू है, ये देखें ये इसकी शर्ट है, सेंटर में इसके फूल आ जाएगा, बाकी सारा जाल है और गोटा है। ये इसका दूसरा बाजू है, और ये बैक साइड है। ये देखिए ये बैक साइड, ये इसकी फ्रंट साइड। अच्छा ये अब लास्ट में आपको मैं दिखा रही हूँ, ये है जी ऑर्गेन्जा का, ठीक है। ओरिजिनल ऑर्गेन्जा का सूट है ये, इसके ऊपर एप्लिक और पक्का और चिकनकारी, ये आपको काम मिलेगा। ये इसका दुपट्टा, ये देखें ये एप्लिक पत्ती है इसके ऊपर इस तरह से, ये ऊपर इसका बॉर्डर है,
ऑर्गेन्जा भी डाई हो जाता है बिल्कुल प्योर के ऊपर, प्योर के ऊपर जैसे रंग आप करवाते हैं ना, डाई करवाते हैं, ऑर्गेन्जा का भी हो जाता है। अच्छा इसमें ये देखें कच्चे के फूल भी हैं, ये देखें ये इसके शेडो वर्क चिकनकारी वाला आउटलाइन है, और ये इसका काम है, ये इसकी शर्ट है, ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सूट है, ये आप देख लें इसका स्टाइल, बीच में सारी एप्लिक पत्ती है, ये देखिए एप्लिक वाली कपड़े वाली जो एप्लिक बना के पत्ती लगाते हैं, बहुत मेहनत वाला काम होता है। ये इसका दामन हो गया, ये पैनल हो गया सारा सेंटर में फुल काम, बैक पर भी इसी तरह से सारा कच्चे का काम, और ये इसके हैवी पास हो। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे कपड़े जो हैं वो पसंद आए होंगे, डिटेल भी सारी समझ आ गई होगी। आपने मुझे व्हाट्सअप करना है प्राइजेस, मैं आपको इंशाल्लाह व्हाट्सअप पे बताऊंगी। मिलते हैं आपसे व्हाट्सअप पे, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।